हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी गाइड एंड टीचर प्रियंका मैम। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास के सिलेबस के बारे में। वी हैव ऑलरेडी टेकन 3 क्लासेस रिलेटेड टू डिस्कशन अबाउट सिलेबस। टुडे वी हैव डिस्कस ए लॉट व्हाट विल बी द सिलेबस ऑफ 12th क्लास। यू कैन सी सिलेबस विल बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। सिलेबस मीन्स पाठ्यक्रम, विच टॉपिक विल कम इन योर एग्जाम। पाठ्यक्रम will be divided in 3 parts: section A, section B, section C. Section A will be related reading will be 15 marks. Section B will be related writing and grammar, 15 plus 18 marks, total 23 marks. Section C will be including both textbooks, textbook Flamingo 28 marks, textbook Vista supplementary reader 14 marks. This will be the एग्जाम स्कीम। पेपर विल बी 18 मार्क्स, सेशनल मार्क विल बी 20 एंड टोटल 100 मार्क्स। दिस इज द वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिलेबस। एंड फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सेक्शन रीडिंग। रीडिंग यू कैन सी इन द रीडिंग देयर विल बी 2 अनसीन पैसेजेस बेस्ड ऑन, देयर विल बी 3 कैटेगरी लाइक फैक्चुअल पैसेजेस, नेक्स्ट पोएट्री वाले पैसेजेस, डिस्कर्सिव पैसेजेस। उसमें भी माइनर डिस्कशन वी हैव डिस्कस्ड माइनूटली एंड आई हैव गिवन द फोटोकॉपी ऑफ सिलेबस टू ऑल स्टूडेंट्स। सो योर फोटोकॉपीज ऑफ सिलेबस, सो फोटोकॉपीज दिखाओ सब फोटोकॉपी सिलेबस की। क्लास में सबको सिलेबस की फोटोकॉपीज दे दी गई है और दो जो पार्ट्स है सेक्शन ए और सेक्शन बी को बिल्कुल माइन्यूटली पूरा एक्सप्लोर कर दिया गया है, सिलेबस समझा दिया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन सी, सिलेबस में जो सेक्शन सी में आएंगी बहुत टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो और विस्टास के बारे में चर्चा करेंगे। और हाउ मेनी पार्ट्स अवर सिलेबस विल बी डिवाइडेड, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होगा अपना सिलेबस, कितने सेक्शन में? बताओ सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। विच विल बी द फर्स्ट सेक्शन? विच विल बी द फर्स्ट सेक्शन? हाउ मेनी मार्क्स? हाउ मेनी मार्क्स? विच विल बी द सेकंड सेक्शन? हाउ मेनी मार्क्स? टोटल राइटिंग सेक्शन हाउ मेनी मार्क्स? राइटिंग सेक्शन हाउ मेनी मार्क्स? ग्रामर हाउ मेनी मार्क्स? ग्रामर 8 मार्क्स और राइटिंग 15 मार्क्स। विच टॉपिक विल बी इंक्लूड इन राइटिंग? शॉर्ट कंपोजिशन, 2 शॉर्ट कंपोजिशन, 2 शॉर्ट कंपोजिशन आएंगे, उसमें से एक पे लिखना है ना, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, रिपोर्ट्स है ना, इनविटेशन, एक्सेप्टिंग, डेक्लाइनिंग, बताया ना आपको। इस तरह से पहली क्लास में अगर हम सिलेबस को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, सिलेबस को समझ लेंगे, तो पूरा हमें सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इन फ्यूचर हमें कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने। हम सिर्फ सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे, है ना। 3 क्लासेज हो चुकी है सिलेबस रिलेटेड, कल चौथी क्लास होगी, उसके बाद 11th क्लास में क्या पढ़ाई की है उसका मेगा रिवीजन होगा, उसके बाद 12th क्लास की हम स्टडी बकायदा सीरियसली स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं उन्हें बोल दो कि सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है 12th क्लास की, और जो पढ़ने आएगा वो ही अच्छे मार्क्स प्राप्त करेगा। क्या कहा जाता है, जो बोएगा सो काटेगा, सो जो आएगा वो पाएगा, और जब जागो तभी सोएगा। एक बार फिर से बता दो, जब जागो तभी सोएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।